सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। भाई आज की वीडियो के अंदर भाई इतनी अमेजिंग चीज़ करने वाला हो कि आपका मन खुश हो जाएगा। नहीं मानता, मतलब भाई पुरानी चीज़ें करने वाला हो। आज मैं पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट वायरल हैक्स, जो भी बोलो टिकटॉक एक्स और कोई भी। तो मैं आज ट्राई करने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट के टिकटॉक हैक्स। मतलब भाई अभी मैं नया माइनक्राफ्ट के अंदर आया हूँ, अभी मुझे कुछ मतलब भी नहीं पता सभी चीज़ों के, और मैं बनाने जाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट वायरल हैक्स। मतलब ट्राई करूँगा ना भाई, ऐसे तो आता है ऐसे नहीं भाई। तो चलो, तो आज हम बनाते हैं हमारा टिकटॉक हैक। तो ये विलेज, मतलब मैं जहाँ पे स्पॉन हुआ वहीं पे मुझे विलेज दिखा बाजू में, और उसके बिल्कुल पीछे एक डेजर्ट टेम्पल है। लेकिन भाई क्रिएटिव के अंदर क्या भाई, अगर किसी को चीज़ की ज़रूरत हो तो बोल देना भाई, मैं दे दूँगा। तो चलो कोई बात नहीं, अब बहुत हो गई बातें, तो अब हम करते हैं हमारे टिकटॉक हैक्स। यहाँ पे कोई खुली जगह पे करते हैं भाई। तो चलो अब मैं शुरू करता हूँ हमारे टिकटॉक हैक्स। और पहली बात ये कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। दबा दिया, ठीक है चलो। तो अब शुरू करते हैं हमारे टिकटॉक हैक्स। सबसे पहले हम बनाने वाले एक ट्रेन। मतलब भाई देखो, अब हम माइनक्राफ्ट के अंदर एक ट्रेन बनाएंगे। क्या बात है भाई, भाई इतनी देर में रात होने वाली है, अब मुझे सुबह करनी पड़ेगी। तो सुबह तो हो चुकी है, अब यहाँ पे ही हम एक ट्रेन बनाएंगे जो सीधा जाएगी, सीधा ही जाएगी। तो अब हम ट्रेन बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ब्लॉक मुझे यहाँ पे रख देना है, और उसके बाद रेल चाहिए। तो बस यहाँ तक कि हम बनाते हैं, क्योंकि हमें ट्राई करना है। और एक रीपर भाई, निकल इधर से निकल। तो अब हम इस पे रखेंगे माइनकार्ट विद चेस्ट। तो यहाँ पे दो रख दी, और उसके बाद नॉर्मल वाली माइनकार्ट रखेंगे, और उसके बाद माइनकार्ट विद फर्नेस। और इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कोल को भर देना है। तो ये हमारी ट्रेन जॉइंट हो चुकी है, और अब हमें इसके अंदर बैठना है। और ये देखो, कुछ नहीं करना, सिर्फ कोल को फर्नेस में डालना है। तो ये देखो भाई, हमारी ट्रेन रेडी हो चुकी है, और बिल्कुल सही ट्रेन बनी है। तो आप देख सकते हैं कि भाई डब्बा भी अलग हो चुका है, ये तो टट्टी है, क्योंकि उधर मैंने रेल ठीक से नहीं बनाया था, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से। ये देखो, मैं वापस इसके अंदर कोल डाल देता हूँ, तो ये वापस ले जाएगा मुझे। लेकिन यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक थी कि मैंने सीधा ट्रैक नहीं बनाया था। तो अगर आप सीधा ट्रैक बनाते हो तो ही ये हैक काम करेगा, बाकी ऐसे ही ट्रेन टूट जाएगी। बाकी ये वर्क कर रहा है, तो कोई टेंशन मत लेना, ये हैक काम का है। तो चलिए आ जाते हैं दूसरे हैक पे। सो फाइनली हमारा एक हैक तो कंप्लीट हो चुका है, और वो सक्सेसफुल है। तो इसके बाद हम हमारा दूसरा हैक बनाएंगे, जो है एक प्लेन। मतलब भाई मैं एक प्लेन बनाऊंगा, और वो भी माइनक्राफ्ट के अंदर। तो आपको भी दिखाता हूँ कि कैसे हम प्लेन बना सकते हैं माइनक्राफ्ट में। तो चलो अब हम प्लेन बनाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए स्लाइम ब्लॉक। तो मतलब आपको प्लेन के लिए एक हाइट तक एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, तो इतनी हाइट मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगी। उसके बाद नीचे का सभी हिस्सा तोड़ देना है। तो ये इसके आजू बाजू दो ब्लॉक लगा दो, उसके बाद एक दो तीन, और उसके बाद
यहाँ पे साइड में और थोड़ा ब्लॉक लगा दो, तो हमारा प्लेन का लुक रेडी हो चुका है। तो उसके बाद फिर से एक दो तीन, और ये ब्लॉक तोड़ दो, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर लगा दो कुछ इस तरह। उसके बाद ये स्लाइम ब्लॉक को तोड़ देना, बाकी ये काम नहीं करेगा। उसके बाद एक स्टिकी पिस्टन लगेगा, और फिर से यहाँ पे एक ऑब्जर्वर, एक स्टिकी पिस्टन, और उसके बाद यहाँ पे एक स्लाइम ब्लॉक लगेगा, और उसके आगे एक रेल लगेगी, और उसके ऊपर हम रखेंगे माइन कार्ट को कुछ इस तरह। मतलब दो माइन कार्ट रख लेना जिससे ये गिरे नहीं और आप यहाँ पे बैठ सको। तो मुझे लगता है ये प्लेन सीधा बिठ जाएगा हमारे विलेज के अंदर। तो उसके बाद इस प्लेन को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको फिंट एंड स्टील चलाना है। तो भाई प्लेन चल चुका है और माइन कार्ट गिर चुकी है, क्योंकि भाई मैं बहुत बड़ा नूब हूँ। अगर आप इसमें प्रो हो तो आप देख लेना आपकी तरह, बाकी हम इस पे खड़े नहीं रह पाएंगे क्योंकि माइन कार्ट गिर गई है। तो कुछ इस तरह हम शेयर करनी पड़ेगी, बार बार जंप लगाना पड़ेगा, लेकिन ये हैक भी वर्क करता है। Nice. हम माइनक्राफ्ट के अंदर एक प्लेन भी बना सकते हैं और वो काम भी कर सकता है, और उसमें हम शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैक तो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब दोनों हैक सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो आज के दो हैक सक्सेसफुल होने के बाद हम तो आज के लिए हम एक और आखिरी हैक चेक करने जाने वाले हैं, जो है एक रॉकेट। मतलब भाई हम माइनक्राफ्ट के अंदर रॉकेट बनाएंगे और उस पर शेयर भी कर सकते हैं। तो चलो अब हम रॉकेट बनाते हैं। तो उसके लिए सामान में भाई आयरन का ब्लॉक ले लो, उसके बाद स्लाइम ब्लॉक, स्टिकी पिस्टन, ऑब्जर्वर, रेल, फ्लिंट एंड स्टील, माइन कार्ट, एंड ये सब सजाने के लिए। तो सबसे पहले हमें एक सेंटर ढूंढना है, तो यहाँ पे बना देते हैं। उसके बाद में एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, इसके बाद ये तोड़ देना। उसके बाद स्लाइम ब्लॉक लीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए। इसके लगाने के बाद हमें इसको जॉइंट कर देना है, और इसके ऊपर एक और स्लाइम ब्लॉक। उसके बाद एक ऑब्जर्वर लेना है और कुछ इस तरह ऑब्जर्वर को लगाना है। उसके ऊपर स्टिकी पिस्टन आएगा, उसके बाद एक दो। तो ये लगने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ फिर से ऑब्जर्वर लगाना है कुछ इस तरह। ऑब्जर्वर लगाने के बाद हमें स्टिकी पिस्टन को लगाना है इस तरह, बिल्कुल नहीं इस तरह लगाना है, नीचे की ओर। मैं अभी थोड़ा नूब हूँ तो मुझसे लग नहीं रहा। तो इसके बाद ऊपर आपको अगर कुछ रखना हो अपने बैठने के लिए तो रख सकते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक कुछ भी ब्लॉक रख देना है, और हमारा रॉकेट रेडी हो चुका है। और ये देख रहे हो आप, ये हैक भी काम करता है, हमारा रॉकेट उड़ गया है। तो हम रॉकेट पे बैठ जाते हैं और हम ऐसे स्लाइम ब्लॉक पे भी बैठ सकते हैं। तो आप देख सकते हो विलेज और ये रॉकेट ऊंचाइयों की ओर जाता हुआ, और ये हम आसमानों की ऊंचाइयों पे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, हमें इतनी ऊंचाई पे नहीं जाना है। तो ये स्लाइम ब्लॉक आपको कुदा कुदा के नीचे गिरा देगा। तो आप देख सकते हैं कि रॉकेट वाला हैक भी वर्क करता है, मतलब ग्रेट सक्सेस भाई। पहली बार हैक्स बनाए और सारे के सारे वर्क करते हैं, वही बड़ी चीज़ है मेरे लिए, मेरे जैसे नूबड़े के लिए और छोटे से यूट्यूबर के लिए। हाँ तो कोई बात नहीं गाइस, अगर आपको ये माइनक्राफ्ट हैक वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मुझे मालूम है इतनी अच्छी नहीं लगी होगी, फिर भी भाई प्लीज़ सोमरी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, वो मत भूलना। आगे और अच्छी वीडियोस आएगी,
क्योंकि भाई हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, बाबा गेमर का ज्ञान। तो कोई बात नहीं भाई, ये भी नाम अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और कौन सी वीडियो देखना चाहोगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई, सब्सक्राइब पे दबाओ यार, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।